स्टार न्यूज कर रहा है आज रात एक बहुत बड़ा खुलासा मास्टरमाइंड, जिसमें हमने दिखाए हैं कि किस तरह से देश के 3 सांसदों ने बिना एग्जाम लिखे यूपी का 10वीं का जी जो परीक्षा है उसमें वो बैठे भी नहीं, लेकिन आज पास हो गए। जो नतीजे आए उसमें उनका भी नाम शुमार था जो कैंडिडेट हुए, और तीनों को सेकेंड डिविजन मिला है। और इस खुलासे के बाद हम पूछ रहे हैं एक बड़ा सीधा सा सवाल कि जो खुलासा हमने किया है उसके बाद क्या 10वीं के पूरे नतीजों को ही रद्द कर देना चाहिए या नहीं। हम जानना चाहते हैं आपका जवाब, आपकी राय। और अभी तक हमें जितने भी दर्शकों ने अपनी राय भेजी है SMS पर, उसमें से 70% मानते हैं कि इस खुलासे के बाद अब ये राय उनकी है कि इस पूरे नतीजे को रद्द कर देना चाहिए। हम अपने एक्सपर्ट से भी लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त जितने जवाब हमें मिल रहे हैं, 70% का कहना है कि अब इस परीक्षा के कोई मायने नहीं रह गए। उत्तर प्रदेश में स्कूल मालिकों के पैसे की भूख ने स्कूलों को नकल का अड्डा बना दिया है, तो शिक्षा अधिकारियों ने उनसे मोटी रकम लेकर उन्हें मनमर्जी की छूट दे रखी है। उत्तर प्रदेश में 10वीं की परीक्षा के दौरान शिक्षा और परीक्षा के पहरेदारों ने बेच दिया है अपना ईमान, लगा दी है अपने फर्ज की बोली। स्टार न्यूज कोबरा पोस्ट को परीक्षा के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े के खिलाफ अपने ऑपरेशन की शुरुआत से ही पूरा शक था कि हो ना हो ये गोरख धंधा चंद भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं चल सकता। सच्चाई जानने के लिए हम मिले फर्रुखाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक उदय राज यादव से। हमने पहचान बदल रखी थी और हम बने थे एक स्कूल संचालक के रिश्तेदार। हमारे साथ उनका एक कथित दलाल शिवेंद्र यादव था और उसी ने हमें दिए थे उनसे सौदेबाजी के टिप्स। कुछ बात करने के लिए भेजा था, सेंटर ध्यान कुछ बात करनी थी, अब फ्री हो जाए तो हम करेंगे। इतने बताओ क्या दिक्कत है? वही कुछ बात करनी थी उसकी। जिला विद्यालय निरीक्षक साहब चालाक थे, चाहते थे कि सौदा हो लेकिन दलाल के जरिए। दलाल ने ही हमें बताया था कि अगर सौदा पक्का हो गया तो स्कूल परीक्षा के दौरान निरीक्षण के लिए फ्लाइंग स्क्वाड नहीं जाएगा, जाएगा भी तो कुछ करेगा नहीं। इसके लिए खर्च करने थे बस कुछ पैसे। डील करवाने वाले शख्स यानी दलाल पर भी उन्हें इतना भरोसा था कि सब कुछ उसी पर डाल दिया। अमाउंट बता दिया हमने 20,000 रुपए। आपको दे दें थोड़े बहुत, कितने दे दें? जितना देना दे दो, चलो हमको जाना है, हम मीटिंग में चल रहे हैं। ठीक, बात कर लेना इनसे, लेकिन थोड़ा सेंटर का ध्यान रखना आपको और बैच एच ना पहुंचे। चलो कभी आप हो तो बस। बहाना बनाकर निरीक्षक साहब तो चल दिए, लेकिन उनकी ऊपरी कमाई के लिए दलाल मुस्तैद रहा। 50 से कम नहीं आता, मैंने कह दिया 20 नहीं, 25 कहें तो लेना, नहीं तो ना लेना। मना कर दिया ना, हम तो कह दिया दे देना इनको। कौन 25 बता दिया ना लास्ट में, और क्या, मैंने कहा 25 दिया ना, इनको गलत बेच रहा है, हमने कह दिया कि कह दिया कुछ बात नहीं, लेकिन क्यों बताए ना पूरा कपड़ा बैठा। अरे कोई नहीं देखता, कोई यहाँ आपको जानता ही नहीं। 5,000 सौदा हो गया। आपने देखा कि किस तरह पैसे लेकर जिले में शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी तैयार हो गया अपने फर्ज को ताक पर रखने के लिए। वो अफसर जिस पर जिम्मेदारी है जिले के स्कूल कॉलेजों में परीक्षा के दौरान घूम घूम कर गड़बड़ी रोकने की, लेकिन अगर वही शख्स ये सौदा करे कि पैसे देने पर स्कूल में कोई निरीक्षण होगा ही नहीं, तो कैसे होगा भला शिक्षा का, और कैसे बनेगा भविष्य देश के उन नौनिहालों का जिनकी किताबें आदर्शों से भरी है। स्टार न्यूज के लिए कोबरा पोस्ट संवाददाता के आशीष की रिपोर्ट।
वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा ये खास कार्यक्रम मास्टरमाइंड जारी है। हम पूछ रहे हैं एक बड़ा अहम सवाल कि आखिर जो खुलासा आज रात हुआ है, उसके बाद 10वीं की जो परीक्षा दी गई है, जिन छात्रों ने परीक्षा दी है, उनके भविष्य का क्या और इस एग्जाम के साथ क्या होना चाहिए इस आसानी से फर्जीवाड़ा इस हद तक जहां हो रहा है। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।